और ये है ब्रुकलिन ब्रिज। प्यारे वेडिंग शूट हो रहे हैं। डम्बो में ही ए दिल है मुश्किल की शूटिंग हुई थी। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं ब्रुकलिन डाउन टाउन न्यूयॉर्क। दोस्तों क्रिश का बच्चा घूम गया किसी का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों उठ गई हूँ मैं, सुबह लेट उठी हूँ। फियांशु जल्दी उठ गया था और अभी उसने मेरे को थोड़ा सा काम दिया हुआ है और फिर हम जाएंगे शाम को आज न्यूयॉर्क। दिन में नहीं जाएंगे, दिन में हम अपना काम करेंगे एंड देन विल गो शाम को ऑफिस के बाद। तो सुबह सुबह श्रुति ने पूरा मुंबई स्टाइल पोहा बनाया हमारे लिए। थैंक यू श्रुति। तेरा का है? हाँ हाँ बिल्कुल आएगा। तेरा का है? चलो न्यूयॉर्क से दोबारा से हेलो हाई कर रहे हैं आपसे। बट आज कहीं बाहर घूमने फिरने नहीं गए हुए, प्लेन चल रहा ऊपर। आज बहुत सारा काम है तो घर ही बैठे हैं अभी तक। तो गाड़ी में ना मैं कुछ सामान लेने आया हूँ, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े थे। आज का प्लान है जो 9/11 में ट्विन टावर था, जो इंसिडेंट हुआ था, उसके म्यूजियम में जाएंगे। अब वो वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, ठीक है। पहले उसका नाम ट्विन टावर था ना। काम शुरू हो गया आपका? आपने ब्लॉग शुरू कर दिया? मेरे को बोला मैं उस पे स्टार्ट कर दिया है। गुड गर्ल है। आपने मुंह भी धो लिया शायद, ब्रश भी कर लिया आपने। गुड गर्ल बन गए हो। इधर ही टांग पे वो क्या लगा हुआ है? ओली का लव बाइट है। और मैंने दोस्तों को बता दिया कि आज हम काम करेंगे एंड आफ्टर ऑफिस जाएंगे हम। विल बी नॉर्मल किड्स। खाना खुना खा के मैं भी आगे बैठ के काम कर रहा हूँ। किरत उधर काम कर रही है, ऑफिस का पूरा काम जोर शोर से चल रहा है। दोस्तों लंच हो रहा है, कुकू बना रही है फ्रेंच टोस्ट, जो अंडे सिर्फ हमारे लिए लेके आए स्पेशली। हमने कहा इनके सारे अंडे खत्म करके लेके जाएंगे। तो श्रुति के घर में इतनी कोक पड़ी है, दो बोटलें वो पड़ी है, एक बोतल ये पड़ी है। तो श्रुति ने मुझे जबरदस्ती बोला है कि खत्म करके जाओ। झूठा। मैंने कहा डन, ऐसा कुछ नहीं है। शाम को खाएंगे न्यूयॉर्क का फेमस $1 पिज्जा, जो बहुत ज्यादा चीज़ी होता है। अभी वो $1 पिज्जा हो गया 125 या 150 या हमारे आने से पहले तो महंगाई बढ़ा देते हैं गाइस। मैं क्या करूँ अभी, मेरे पास में नहीं है, मेरे पास नहीं तो $1। दोस्तों ये होम मेड आइसक्रीम है। होम मेड? हाँ होम मेड है। मैं बता दूंगा, नीचे 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 दुकान है, ऊपर घर में रहता है, इटालियन बंदा है। ये व्हाट डू यू कॉल, कैसी है? और तू पूरी झूठी कर दे। नो 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 नो, खा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना प्यार दिया कि मुझे लग ही नहीं रहा मैं से पहली बार मिल रहा हूँ। सो खा लेना अपने चम्मच, दो मिनट घुसेड़ लेना। तू कहते थे इसको घर अच्छा नहीं लग रहा है वो। मैं जब अपने घर पे होता हूँ, मैं आठ कटोरे में रहता हूँ, मैं वो अपने पूरे घर में जोनों ने जा चुका हूँ, अपने घर चल रहा है वो। इसने पकड़ा और ऐसे ही खा गया। दोस्तों शाम के बज रहे हैं 7 और अभी तक हम कमरे में बैठे हुए हैं। कीरत अभी बाहर गई है भाई, काम खत्म होने को ही नहीं आ रहा। सुबह से मस्ती मस्ती मार रहे हैं, घर पे काम कर रहे हैं, यही चल रहा है। सोचा था बाहर जाएंगे न्यूयॉर्क घूमेंगे बट काम ही नहीं खत्म हुआ, तो आज घर बैठे। कल जाएंगे कहीं घूमने फिरने, आज अपनी घर की मस्ती मारते हैं, शाम को गेड़ी के लिए निकल लेंगे कहीं पे। लड़की बहुत ही ज्यादा कश्मकश में काम कर रही है। कश्मकश में काम कर रही है न्यूयॉर्क में। आज मेरे को बाहर न्यूयॉर्क नहीं घुमाने देते। काम खत्म हो गया आज का? ऑलमोस्ट डन है बाबू। सुबह से सुन रहा हूँ तो श्रुति को भी पता लगे ऑलमोस्ट डन क्या होता है। दोस्तों भाई हो गया रेडी, हीरोइन भी हो गई रेडी, हीरोइन भी हो गई रेडी। हमारा हीरो तो पहले रेडी था। हम जा रहे हैं वांडो पिज्जा खाने क्योंकि वो है डाउनटाउन वगैरह में, प्रॉपर न्यूयॉर्क चलते ना यार। पहले कह दूं सारे लॉक कर देना, मैं नहीं चाहता न्यूयॉर्क पहुंचे हम, फिर तुम लोग बोलो कि घर के एक कुंडी खुली रहेगी। पहन लिए स्पोर्ट शूज क्योंकि बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा। जल्दी बताओ किधर जाना है। नहीं मैं बताती हूँ, रुको 2 मिनट। किसी में थोड़ा ये है, लुकिंग फॉर इज पेशेंस माय फ्रेंड। 10 मिनट पहले भी यही बात बोली थी बट तूने 15 मिनट लिए ये बताने के लिए कि बस तू बीवी है। ज्यादा बोल, एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन जरूरी है, नहीं तो बाद में हमें डांट मिलती है। और इतना लंबा रूट ले लिया, अभी तूने गलती कर दी। तुम को पायलट हो, थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो भाई। नहीं नहीं, जिंदगी तो पूरी चलाते हो तुम हमारी। मुझे लगा ताली देने के लिए हाथ कर रहे हैं। सॉरी मैं तेरा सुंदर फेस लाने के लिए कर रहा था क्योंकि मेरा सुंदर फेस भी लिया भाई। फिर कल जाना है ना हमने जल्दी। हाँ मिसेस। हाँ नहीं गाइस, मेरी बीवी इसीलिए मेरी बीवी नहीं, ये इसने मेरे प्रिंट कराई है। सो मेरी बीवी इतने सवाल पूछते, मैंने टी शर्ट पहन ली, वो था ना कुकू काम कर ले, बस वो प्रिंट नहीं हुई, वो होनी भी नहीं है क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि कुकू ऐश करे। 2019 में कैपिटल वन का डेटा ब्रीच हुआ था। अच्छा
कैपिटल वन डेटा ब्रीच में काफी कुछ लीक हो गया था सारे, और मैं तभी जस्ट अकाउंट बनाया हुई थी कैपिटल वन बैंक के साथ। अच्छा। और सो लोगों की सोशल सिक्योरिटी नंबर काफी की लीक हो गई थी, जो बहुत रिस्की चीज है। हाँ। और काफी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी। हाँ। फिर 2022 में उन लोग ने केस फाइल किया है, उसका सेटलमेंट के लिए मैंने सब्सक्राइब कर दिया था ऐसे मस्ती में। हाँ। और आ रहे $500। और तुम लोगों कार्ड बेच रहा था उसकी सीरी वीरी ने सुन लिया और मिल गया। ये नहीं बोल रहा है, मेरे पैर लगी इधर ले। तो उसने तो वो पहले ही बोला ना तुम लोग आए और पैसे आए। अरे यही नहीं आ रहे। अगली बार मैं भी ऐसी ईमेल इग्नोर नहीं करूंगी। दोस्तों अगर आपको भी ऐसी ईमेल आए तो इग्नोर मत करना भाई, $500 भी आ सकते हैं, स्कैम भी होते, ध्यान रखना अपना। कह रहे थे कि भाई फ्यांचोर की इधर की फेक अकाउंट बनाए कि तुम लोग कुछ जीत गए, ये कर रहे हो, प्लीज बी अवेयर गाइस। तो न्यूयॉर्क में बारिश हो रही थी इसीलिए हम आज दिन में नहीं गए, सोचा चलो रात में ट्रैफिक में भी नहीं फंसेंगे, चले ही जाते हैं। कैन यू फील माय लव फॉर यू, साथ में गाना सुनो दिलजीत का। दोस्तों ये कट रहा है टोल हमारा, और अब हम अनजान नहीं है, हमें पता है कि हमारा टोल कट रहा है। पहले हमें पता ही चला हमारा टोल कट जाता है। ये है न्यूयॉर्क की दूसरी टनल, हॉलैंड टनल। 1500 का ये बैग देखो, USD को लगा इसमें 1500 का क्या है, मैं बताती हूँ ये है। कितना पैसे खर्चते हैं हम, क्या करें। देखा फिशी, अब मेरे को भी मिल जाना चाहिए। औरतों के वजह से इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चलती है। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं ब्रुकलिन। हम लोग जा रहे हैं ब्रुकलिन बिकॉज हम जा रहे हैं डम्बो। सांप की तरह था ये। हाँ। गाइस ये बैग बिल्कुल मेरे को कीरत किया दिला रहा है। ध्यान से देखो, पिंक और बिल्कुल शक्ल सेम ऐसे नहीं लग रही। तो ये हम आ गए हैं डाउनटाउन न्यूयॉर्क, अब हम जाएंगे ब्रुकलिन। दोस्तों रात को अगर आपको न्यूयॉर्क में पार्किंग मिलती है तो इट्स फ्री फ्री फ्री, आई वी लव फ्री पार्किंग। ये देखो हमने कर दी है अपनी गाड़ी पार्क, अब हम वॉकी वॉकी करके जाएंगे। हम खाने वाले हैं न्यूयॉर्क का फेमस $1 पिज्जा। और बाय द वे मैं कृष्णा से पूछ रहा था कि मैं हम इस वाली जगह पे क्यों खा रहे, क्यों मुझे लगा ये भी $1 का मिल रहा है, बट ये वाओ नहीं होगा। बट कृष्णा कहा कि ये एक फ्रेंचाइज है, जितनी भी ऐसी वाली जगह पे एक ही जगह से पिज्जा आ रहा है और अलग अलग शॉप्स पे बिक रहा है। यार दिस इज सो बिग, एक स्लाइस $1.50 का हो गया, पहले $1 का होता था, इन्फ्लेशन के कारण महंगा हो गया। कैसा है दोस्तों? काफी टेस्टी है, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। हां मतलब मेरा $2.50 का है, बट इसका मेरा $1.50 का काफी अच्छा है। $1 तो काफी अच्छा लगा मुझे, यम्मी, कॉस्को से बेटर लगा मेरे को। तो इसलिए नहीं हम आज आए क्योंकि फिर से बारिश शुरू होगी है न्यूयॉर्क में 10 मिनट में। दोस्तों कृष का बच्चा घूम गया किसी का। दोस्तों हम जा रहे हैं ब्रुकलिन ब्रिज, मैं तो दिन में आना था, बारिश हो रही थी इसलिए आ नहीं सकते, और मैंने फैंसी को बोला है वी हैव टू एक्सटेंड आवर ट्रिप सो मैं दिन में ब्रुकलिन ब्रिज पे फोटो ले सकूं। एक द फेमस ब्रुकलिन ब्रिज ऑफ न्यूयॉर्क। नाउ आई सी व्हाई श्रुति वाज सेइंग वेयर समथिंग कलरफुल। जो सारे फोटोज खिंचाते हैं वो कहाँ खिंचाते हैं? अच्छा हाँ, यही मैं कहूँ कि ये वाला व्यू कहाँ आएगा। तो सारा बारिश से प्लान चौपट कर दिया, ट्रेन जा रही है देखिए। हाँ, तो अब आवाज आई ना। ये हस्बैंड भाई बहस कर रहे हैं कि कौन ठीक है। सो गाइस ये है मैनहट्टन ब्रिज जो हम नीचे से देख रहे हैं, बड़ा प्यारा लग रहा है। उसमें गाड़ियाँ ट्रेन चलती है, इसमें आदमी और गाड़ियाँ चलती है। और ये है ब्रुकलिन ब्रिज और ये है डम्बो। सो डम्बो इज अ प्लेस जहाँ पे कहते हैं कि यार सबसे सुंदर लगते हैं सनसेट्स। बट आज सूरज देवता आया ही नहीं है तो नो सनसेट, आज तो सारा दिन बारिश होती रही। बड़े यार मजेदार है, काफी सुंदर लग रहा है। ओ भाई दोस्तों देखो इतनी बारिश हो रही है। दोस्तों ये देखो कितने प्यारे वेडिंग शूट हो रहे हैं। वो जो 2 मिनट लगे मैन्यू प्रिंटर पे खड़ा है, वो इतने स्टिल खड़े थे। प्रपोजल्स भी बहुत होते हैं। हाँ ये है डम्बो का एरिया एंड ये है फेमस कैरोसॉल, और इधर 4th of July पे बहुत बढ़िया फायरवर्क्स होते हैं। ओह वाओ, डम्बो में ही ए दिल है मुश्किल की शूटिंग हुई थी यहीं पर, संजू की शूटिंग भी यहीं पर हुई थी, ऐसे ही टाइम पे हुई। तो फिर आज हम बना ले कोई शूटिंग, कर ले रील बना देते। ओके
ट्विन टावर हुआ करते थे। अच्छा। जो 9/11 हुआ उसमें वो दोनों ही टावर गिरा दिए उसने। और एक ही अभी वहाँ पे नीचे दो फाउंटेन है जिसमें सारे जो 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 सर्विस में गुजरे जो फायर मेमोरियल टाइप की है मेमोरियल में उन लोग के नाम एच है काफी इंडियंस के नाम भी एच है वहाँ पे। वो फाउंटेन डाउनवर्ड्स है डिपिक्टिंग के कैसे गिरा हो जो दोनों ट्विन टावर के दोनों डाउनवर्ड्स फाउंटेन कर दिए वाली बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग का नाम क्या है? वन वर्ल्ड सेंटर। हाँ और वन वर्ल्ड सेंटर ट्रेड नहीं है वन इसलिए क्योंकि एक कर दिया ना दो टावर से दोस्तों। इतनी फन रील बनाई है ना अभी यहाँ पे अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हैं तो जाके चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा बहुत ही फनी रील है वो। दोस्तों श्रुति कुछ बता रही है बोल रही थी कि कृष्णा ने हमारी शादी में भी डांस नहीं किया और अभी फर्स्ट टाइम रील पे डांस किया। सही चल रही ये बात मैंने क्यों बताई ये बात ये क्यों बता रही है कृष्णा हमारे लिए नहीं नाचा उसके $500 आए हैं उसके लिए नाचा। और अब हम जा रहे हैं दोस्तों आर्टिचोक पिज्जा खाने यहाँ का बहुत फेमस है। क्लिन में भी जा सकते थे बट हमारा दिल हो रहा है मिड टाउन जाने का। मुझे मैनहट्टन का इतना समझ में आ गया है मिड टाउन अप टाउन एवरीथिंग नाउ कुको इज प्रो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। बिल्डिंग है और उसके पीछे समिट बिल्डिंग है। समिट बिल्डिंग इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रखी है। मेरा पति मुझे लेके नहीं जा रहा उधर। मेरा पति कह रहा है कि अकेले चली जा मैं नहीं जाऊंगा। अरे $60 खींच के मैं फोटो नहीं खींचवाने जा रहा तू भी उसी पति से एग्री करता है। कितना निर्दयी पति है मेरा। कृष्णा खुद मुझे कह रहा था मैं तो खुद कभी ना जाऊं $60 की फोटो। मैंने कब से बोल रही हूं मुझे आज तक नहीं लेके गया। तो तुम जाओ 6 साल में मैं आज तक नहीं गया। पेरेंट्स आएंगे तब जाएंगे जब पेरेंट्स आते तो आते 4-5 लोग हैं मैं बोलता हूँ अब तो पैसा जरा। दोस्तों हमको बिल्कुल हमें लूंग पहनो आर्टिचोक पिज्जा के बाहर पार्किंग मिल गई। देखो दोस्तों जब बारिश हो रही है मौसम खराब हो गया तो एक और बढ़िया बात है रश खत्म हो चुका है। मेरे को बहुत पसंद है वो इतना बड़ा पिज्जा वो एक स्लाइस है ये इतनी बड़ी एक स्लाइस है ये दूसरी स्लाइस नहीं ये तो अलग ही चीज है। इसका नाम है आर्टिचोक जगह का भी नाम यही है और पिज्जा का नाम भी यही है। ओए होए 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 इतना बड़ा स्लाइस है कि दो प्लेट लेनी पड़ती है। घर में क्या पहुंचा ऊपर लग जाएगा लगेगा ऊपर ये चीज भाई खतरनाक पिज्जा है। और गाइस वेलकम टू न्यूयॉर्क यहाँ पे कोई उठा के ना ले जाए। भाई काफी टेस्टी है भाई पिघल रहा चीज भाई दैट्स वेरी वेरी टेस्टी बाकी जो डिप होती है जैसे वो क्रीमी क्रीमी। दोस्तों सारे यहाँ पे इसको ऐसे ही खाते हैं फोक और नाइफ से और इसको काटना इतना इजी नहीं है बट फुल ऑफ चीज वेरी यम मतलब ऐसी चीज अभी तक नहीं खाई मैंने। अचानक से इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। आई विल ओपन दिस वीडियो दिस इज हैवी वो देखो गाइस गिरियो मत केयरफुल क्रिश आ रहा है क्रिश ध्यान से भाई ध्यान से पंख तो इतने लंबे की उड़ के आ सकती थी। केयरफुल केयरफुल आज मेरे गूगला माय गुडनेस हमें लगा तुम उड़ के आ सकते इतने लंबे पंख है। Oh my God. इतनी बारिश ये सबसे बड़ा वाला मेसी हम कल आएंगे ओके भाई साहब वो सबवे भी आ जाती है कल यहाँ बारिश हो रही थी अलग ही वाइब थी आज अलग वाइब है ना। हाँ आज थोड़े लोग घबराए हुए सेमे में घूम रहे हैं। I wonder how New York would be during Christmas. I actually want to come. Oh shit, फिर से अंदर आए। दोस्तों श्रुति बता रही है दिस इज कोरियन स्ट्रीट यहाँ सारे कोरियन ब्यूटी मिलती है खाने को ब्यूटी मिलती है कोरियन स्किन केयर ब्यूटी। दोस्तों हम आ गए हैं बबल टी लेने के लिए बारिश में हम आए एम्प्लॉइज थे बंद होगी दोस्तों हम अब वापस घर जा रहे हैं मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा बट हम जा रहे हैं वापस क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा तेज होगी।
और गाड़ी में बैटरी है 2% नहीं 12% है। तो जाएंगे तो बाबू वहाँ तक हम जब तक पहुँचेंगे तो 2% पे पहुँचेंगे सुपर चार्जर पे। सो इट्स क्वाइट रिस्की अफेयर। नो इट्स नॉट रिस्क। वो वाले नहीं ना तो रिस्की अफेयर। क्यों क्या वो दिखा इधर को आया था एकदम से? नहीं बाबू अपने जूते कर रहा था अपने उसे पैर रखा उसका हिप आया था इधर को वो लोड कर रहा है ट्रक में। हाँ बट फिर भी बाबू इट वॉज क्वाइट रिस्की अफेयर। व्हाई यू कीप हैविंग रिस्की अफेयर्स टेल मी बाबू। यू टेल मी बिकॉज यू आर डूइंग रिस्की अफेयर। हॉर्न पे हॉर्न ही पड़ रहे हैं। शशि न्यूयॉर्क में हॉर्न मार दिया तुमने? ये रही रियली प्राउड एंड हैप्पी। मैंने पूरे कनाडा में 11 महीने में सिर्फ 3 बार हॉर्न मारा। और जब हुआ तो अपने ऐसे एनिवर्सरी डे फीलिंग भी ली थी। वहां तो अगर हॉर्न पड़ गया ना तुम्हें तो मतलब मैं तो डिप्रेशन में चला जाता हूँ कि भाई ये तो मैंने आज बहुत बड़ा पाप कर दिया मैं तो सबसे घटिया इंसान हूँ कि मुझे आज हॉर्न पड़ा है। बट दोस्तों दूर से हमें यहाँ पे वेसल दिख गया वो भी एक जगह है हडसन यार्ड। और यहाँ पे हम न्यूयॉर्क के ट्रैफिक में फंस गए हैं। जिंक्स कर दिया था हमने। 1 बज रहा है रात का। टनल की एंट्री के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा रश हो रखा है। फंस गए फैंसी हम। ट्रू। और फैंसी बहुत थक गया है दोस्तों। सुबह 7:30 उठ गया था। ये वाली राइड वाली है। ये वाली राइड वाली है यार। चले जा सीधा सीधा। चल 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 जाऊं। दोस्तों जो हम फंसे हैं। हाफ एन आवर हो गया बैठे हुए हैं अभी तक। और हमारी बैटरी बिल्कुल है इनसी गाड़ी की। नहीं वहां तो पहुंच जाएंगे कोई टेंशन नहीं है। नो वरीज। बहुत बैटरी। लेट्स सी। बहुत बैटरी दोस्तों। हिल ही नहीं रहा है ट्रैफिक। यही अटके पड़े हैं हम। ओ दोस्तों फुटपाथ पे चढ़ा के लेके जा रहे हैं अब। हम भी ले जाएं? हम जाएंगे कहाँ ले जाके? देखेंगे उसके बाद यहाँ से तो निकलेंगे। सारे फुटपाथ से चढ़ा के लेके भाई। या तो कोई और चार्जर ढूंढ पास में। चार्जर तो वो दूसरा कोई ढूंढना पड़ेगा। बट चार्जर ढूंढे तो ज्यादा बेटर है ना। हम इधर स्टक रहने का क्या फायदा। बेवकूफ ने चिपका दी भाई। जी वैगन चढ़ा दी दोस्तों। पॉश चढ़ा दी। ये क्या हो गया? अरे वो इतनी पास ले आया वो कर रहा है वो आदमी भी चल रहे ना यार तो मेन देखना पड़ता है। इसको रुका नहीं जा रहा भाई। हमने भी चढ़ा दी दोस्तों भाई ये तो मैं कह रहा हूँ ये न्यूयॉर्क नहीं है मुंबई में कहीं हम चला रहे हैं। बुरी तरह फंस गए दोस्तों। बट ये तो मैंने ऐसे रूप पहली बार देखा कि भाई सारे फ्लो में कर रहे हैं सब और मैं तो ये उसको तो डंडे ही तोड़ देगा। ओ तेरी इमरजेंसी लेन में ही जाई जा रहे हैं। ये इमरजेंसी भी नहीं है साइकिल लेन है यार ये बाइक ले। हाँ आज घर पहुंच पाएंगे या नहीं। 2 बजने वाले गाइस और बैटरी 7% हो गई है। चार्जर है दैट इज ओनली 9 मिनट्स अवे। नहीं ये भी रुके ही हुए हैं जैसी ग्रीन होएगी निकाल लेंगे। ओ भाई साहब वो कैसे लगी है निकल रहे आगे दोनों के बीच में मेरी किस्मत पे क्यों इसमें क्या है बताइयो। नहीं सारा बोझ इसी के कंधों पे है। और क्या गई? और क्या पता क्या गई? नहीं मैं हेल्प नहीं कर रही थी फिशी तेरी। मैंने सुपर चैटर ढूंढना नहीं है वाला। क्या मारी तूने मुझे? मैं ये किया तूने अपनी गाड़ी का क्या लग रहा है? वो तो पति निकाल ही लेगा। ऐसे निकाल रहे थे वो मैं बताऊ क्या करूँ। मेरा ऐसा रिएक्शन हो रहा था मुझे लगा मेरी गाड़ी ठुकरी गई से। इनके भी $10 ले रहे हैं और टेस्ला चार्जिंग के अलग गेट बंद है। $30 तो बहुत नाजायज महंगा लग रहा है भाई। इसको गाड़ी दी है ये हमें खुद लगानी नहीं दे रहे। तो हम आए एक जगह पे जहाँ पे हमने $23 तो पार्किंग का पे किया प्लस $10 हमने चार्जिंग का पे किया एंड उसके अभी हम लोग गाड़ी में बैठ नहीं सकते। चलो कैसा लग रहा है न्यूयॉर्क आके।
अंदर का इतना स्ट्रिक्ट माहौल बना हुआ है, उसे मैं अपनी हमारी गाड़ी में भी बैठने नहीं दिया कि गाड़ी बेशक चार्ज हो रही है ठीक है, क्योंकि प्राइवेट पार्किंग है, बाकी बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी अंदर। तो अब हम बाहर निकले, अम्ब्रेला लेके नहीं आए, बारिश हो रही है। कीरत एंड में कहती सोच लेते हैं अम्ब्रेला के बारे में। कीरत कह रही है मैंने कहा था मुझे चाय पिला दो, इस वजह से जाम हो गया, तुम घर जा नहीं पा रहे। अच्छा वाला हमने घर पहुंच रहा था 12:30 बजे, वह दो हो रहे हैं, हम रात को घूम रहे, कॉफी पीने जा रहे हैं, गाड़ी हो रही चार्ज वहाँ पे। और आज घर से निकलते हुए भी हम सोच रहे थे गाड़ी चार्ज कर ले, मैं कहा नहीं यार अभी बहुत बड़ा है, हमें क्या पता इतना 1.5 घंटे वाला ट्रैफिक जाम हो जाएगा। और हमने एक्चुअली क्या है गाड़ी फिर भी दूसरे सुपर चार्जर पे पहुंच जाती, हाँ लग रहा है कि भाई 1.5-2 घंटा और वहाँ फंस जाते, इसलिए हमें गाड़ी निकालनी पड़ी वहाँ से। पहुँच गए 24 आवर्स मैकडोनल्ड्स, यही काम आया जब तक गाड़ी चार्ज हो रही है। दोस्तों ये सीन चल रहा है, रात के 3 बज रहे, पूरे गीले हो चुके हैं, आसपास सॉलिड सॉलिड बारिश चल रही है एंड मजे मार रहे हैं हम लोग। जस्ट टू टेल यू कि कितनी बारिश चल रही है गाइस, ये सीन चल रहा है। तो पटल में हम नहा सकते हैं, yes. इतनी बारिश हो रही है बट हम क्या खुश हैं? मेरी जैकेट बहुत खुश है। क्या हम खुश हैं दोस्तों? बहुत खुश है, हम ही लग रहे हैं वो होमलेस। हाउ इज द जोश? हाय सर। दोस्तों फाइनली गाड़ी 99% चार्ज हो गई है, एक्स्ट्रा ही चार्ज कर ली क्योंकि पैसे इतने लगे। $51 वी पेड। अब हम जाएंगे घर फॉर 1 आवर पार्किंग। 3 बज गए बाय द वे। ब्रैम्पटन विच मुंडा रहिंदा सोनी है पंजाब सारे मेनू। बाय बाय गाइस। किसी ने पता नहीं न्यूयॉर्क में खड़ी हुई थी गाड़ी, किसी ने टायर के व्हील कवर्स निकाल दिए। सेंट्री मोड पे देखते हैं कहाँ हुआ है। इस साइड के दो है क्योंकि ये इस साइड पड़ी हुई थी ठीक है, उस साइड से निकाल ही लिए यार। आई कांट बिलीव दिस। है कुका टेस्ला को वैसे नहीं चुरा पाए तो टायर लेके। आज ना बैटरी बहुत ज्यादा ऑफ थी गाड़ी की तो इतनी लो पे सेंट्री मोड ही नहीं चला, ये तो ना बड़ा दुख लग रहा है। चलो क्या कर सकते हैं, थैंकफुली गाड़ी गुड़ी को कुछ नहीं हम हुआ। दो टायर को निकाल के ले गए मतलब व्हील कैप्स। और हम लोगों ने गाड़ी कितनी देरी छोड़ी है? बहुत ही कम पीरियड के लिए छोड़ी है। 2 बार पिज्जा खाया हाँ, फटाफट। और एक बार ही आधे घंटे के लिए गए थे हम। एक बार तो हम बस पार्किंग में थी, सिक्योर्ड पार्किंग में थी तो हो ही नहीं सकता। मतलब सच में पर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है इज इट फ्रॉम द कोरियन स्ट्रीट, बट उस साइड हमने इधर को खड़ाई थी पिज्जा शॉप पे। ओ मुझे पता क्या लग रहा है कहाँ पे हुआ, ये फर्स्ट पिज्जा शॉप पे 99 सेंट वाले पे हुआ। इतना रिलीफ हो कि गाड़ी का शीशा नहीं तोड़ा, उनको पता है टेस्ला चुरा सकते नहीं है, ड्राइव करने के लिए भी पिन चाहिए होता है। एनीवे गाइस और आज वीडियो को करते हैं एंड। बहुत करते करते हम पहुंच गए 4 बजे घर, 8 बजे के निकले हुए। मेरा मूड बहुत ऑफ है यार, मेरे को अभी बहुत लंबी ड्राइव करनी है घर के लिए। दो टायर अलग बड़ा अजीब लग रहा है मेरे को। और वो निकाल के डिग्गी में रख देंगे, टेंशन ना ले, कोई बात नहीं। अरे ये वाले व्हील कवर बहुत मुश्किल से ढूंढे थे मैंने, बहुत पसंद है मुझे। एनी हो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, अब तो टेस्ला की चोरी भी होगी है। सो बाय बाय, टेक केयर।